हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है शुक्रवार, अमावस के बाद का जो शुक्रवार है ना, वो शुक्रवार है। आज 7 तारीख भी है और सुबह के मैंने मंदिर की सफाई कर दी है और सुबह पर सिंपली मैंने पूजा करा है और मंदिर की सफाई करिए जो वो कपड़ा सब मैं बाद में धो दूँगी, क्योंकि आज शुक्रवार है तो लक्ष्मी माता की आज पूजा भी करनी है। और किसी भी वश ने कहा भी था कि आप कैसे करते हो लक्ष्मी माता की पूजा, तो मैं बताऊँगी कि मैं कैसे करती हूँ। तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी माता की जो पुस्तक आते हैं ना, वो ले रखा है। यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी ले रखा है। आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति भी ले सकते हैं, जैसे दीपावली पे आता है ना मूर्ति फ़ोटो, तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे चुन्नी रखा है और आसन रखा है लाल, और ये है मतलब माता को पोछने के लिए कपड़ा टावल है, और एक मैंने श्री यंत्र रखा है, चौकी रखा है और लाल वस्त्र रखा है बिछाने के लिए। यहाँ पर दीपक भी मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है, मतलब जो तो यहाँ पर ले रखा है दक्षिणा चढ़ाने के लिए, और यहाँ पे इत्र लगाने के लिए थोड़ा सा रुई और इत्र एक साथ रखा है। माता को, लक्ष्मी माता को इत्र बहुत ही पसंद है, तो इत्र ले रखा है, कलावा ले रखा है, और हल्दी और कुमकुम ले रखा है, चावल ले रखा है, हल्दी ले रखा है, और तो एक लोटा पानी ले रखा है। आज मैंने कहा ये गंगा जल है, और थोड़ा पुष्प ले रखा है, और भोग में आप मीठे में चाहे आप बर्फ़ी लगा सकते हैं और खीर का भोग भी लगा सकते हैं। मैंने खीर का खीर बना रखा है। और यहाँ पर सोने की आभूषण एक चाहिए जो हमें लोटे के ऊपर रखना होता है कथा करने से पहले। तो बस ये है, इतना सामान हमें अरेंज करना होता है लक्ष्मी माता के पूजा में। तो इतना तो खैर ये पंच उपचार ही है, पंच उपचार तो घर में ही मिलते हैं। यहाँ पे मैंने ना जहाँ पे पूजा करना है तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल के और इसको लीप दिया है अच्छी तरह से। इसके ऊपर मैं पट्टा रख दूँगी, और पट्टा रखने के बाद पट्टे को भी मैंने ना सुबह ही अच्छे से साफ़ कर लिया था, और इस पर मैंने लाल कपड़ा का आसन दे दिया है। माता को इस पर विराजमान करूँगी। तो मेरे मंदिर में जो माता है, मैंने सुबह तो पूजा कर ही लिया था, लेकिन अब मैं अलग से चौकी लगा रही हूँ इस टाइम। तो यहाँ पे मैंने चावल का आसन दे दिया है वैसे कलश की स्थापना करने के लिए, और फोटो हो प्रतिमा विराजमान करने के लिए। तो आप चावल और पुष्प का भी आप ना आसन दे सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ का दिया है, और सिंपली साधन तरीके से मैं करती हूँ, कोई ऐसा ताम झाम नहीं है। और बहुत ही और ये व्रत करने से ना, माँ वैवा लक्ष्मी का व्रत करने से सच्चे मन से अगर शुद्ध मन से रखेंगे ना, तो हर व्रत का पाठ करेंगे तो हर इच्छा माता पूरी करती है, हर मन चाहे हमारा फल पूरी करती हैं, देती हैं वो। तो यहाँ पे मैंने माता को विराजमान कर दिया है, और श्री यंत्र, अगर आपके पास श्री यंत्र ना हो ना, तो किताब के पीछे भी श्री यंत्र होता है, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। मेरे पास श्री यंत्र है तो मैंने उसको मतलब उसको भी विराजमान कर लिया है। और यहाँ लोटे पे मैंने कलावा बांध लिया है, हमें कलश स्थापना करना है ना, तो कलावा ज़रूर बांधना चाहिए लोटे के कंठ पर। और इसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल डालूँगी, तो गंगा जल मैं अलग से रखी रहती हूँ। तो बस मैंने गंगा जल डाल दिया, और इसमें शुद्ध पानी डाल दूँगी ऊपर से, और उसके बाद से मैं हल्दी और कुमकुम डाल दूँगी। तो ये व्रत को ना पति पत्नी दोनों इस व्रत को रख सकते हैं, और माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न भी होती है। और वैसे कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को दिन तो वैसे भी रखा जाता है, आप सभी को पता है, सबने कराई होगा, जो जो करते हैं उन्हें पता है, और वैसे भी किताब में सब लिखा हुआ है। और इस व्रत को करने से बहुत ही फलदायी और बहुत मनचाहा फल मिलता है, हर इच्छा पूरी होती है। तो यहाँ मैंने सब हल्दी और कुमकुम डाल दिया है, और इसके ऊपर मैंने अक्षत डाल दिया है और पुष्प डाल दिया, और इसी पर मैंने ना सोने का आभूषण डाल दिया। अगर सोना अगर आपके पास ना हो, आभूषण ना हो, तो आप ना नगद पैसा भी रख सकते हैं। तो मैंने अपना, मेरे पास अंगूठी थी सोने के, तो वही मैंने रखा पूजा करने का। यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है, और हल्दी और कुमकुम का मैंने टीका लगा दिया है, यहाँ पुष्प भी चढ़ा दिया है। तो बस इसी तरह सिंपल साधारण तरीके से मैं पूजा करती हूँ, वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ना जल थोड़ा ले लिया है, और स्नान करवा रही हूँ माता को, भाव से स्नान करवाना है। और फिर मैंने इनको अच्छी तरह से साफ़ कपड़े से पोछ दिया है, उसके बाद से मैं इनको चुन्नी उढ़ा दूँगी, इनके लिए चुन्नी भी लेके आई हुई हूँ। तो इनको मैंने चुन्नी भी उढ़ा दिया, लाल कलर का माता को अति प्रिय
होता है। वैसे तो कमल का फूल भी इनको प्रिय है, गुलाब का फूल भी और गुड़हल का फूल भी, लाल चीज़ इनको पसंद है फूल में। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि आपके पास श्रीयंत्र ना हो तो पीछे श्रीयंत्र हैं तो आप पूजा भी कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर मैंने दिया बाती भी मैंने प्रज्वलित कर लिया है। अब मैं इन सबकी पूजा कर लूँगी। यहाँ वस्त्र के अनुसार मैंने कलावा मैंने अर्पित कर दिया है माता को, और गणेश जी को मैंने सुबह ही कर ली थी, लेकिन मेरे पास एक ही में है तो मैं एक ही साथ सबकी मैं फिर से पूजा कर लूँगी। और यहाँ जितने भी हैं पुस्तक हैं, हमारे कलश हैं, श्रीयंत्र हैं, दीपक हैं, इन सबको रोली टीका अक्षत से मैं पूजा कर लूँगी अच्छी तरह से। तो बस इसी तरह करना होता है। और ये व्रत जो करना होता है ना 21, 51, 31 या आप लोग के ऊपर है कि आप कितने कर सकते हैं 11 इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने माता को फूल भी, माँ लक्ष्मी को फूल भी अर्पित कर दिया, श्रीयंत्र को भी फूल अर्पित कर दिया, गणेश जी को पीले पुष्प भी अर्पित कर दिया, मतलब थोड़े बहुत मतलब फूल मैंने अर्पित कर दिया है। तो यह हमारा पंचोपचार पूजा हो रहा है इस टाइम मैं पंचोपचार से ही पूजा कर रही हूँ। और माता को इत्र भी मैं अर्पित कर दूँगी, माता को गुलाब का इत्र अति प्रिय है तो मैंने गुलाब का इत्र भी माता को अर्पित कर दिया है। और बस इस दिन ना आप चाहे खीर का भी भोग लगा सकते हैं, हलवा भी बना के लगा सकते हैं, सफ़ेद चीज़ की भोग लगाते हैं जैसे बतासे के, मिश्री के, और क्या कहते हैं मखाने के खीर, मैंने खीर बनाई थी तो मैंने खीर का भोग लगाया। वैसे तो खीर का ही भोग लगाया जाता है और बर्फ़ी का भी भोग लगाया जाता है। तो बस इसी तरह से माता को भोग मैंने लगा दिया, एक लोटा जल रख दिया माता के पास, और बस अपना पूजा में अब आरंभ करूँगी। और दक्षिणा भी मैंने लगे हाथ रख दिया है, जो भी हमारी पूजा में जो कमी होती है ना तो दक्षिणा के स्वरूप वो सब माफ़ हो जाती है और हमें दक्षिणा रखनी भी चाहिए। तो यहाँ मैंने माता के किताब लिया है, तो अभी मैं कथा पढ़ने से पहले आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। हाथ में वैसे जब कथा पढ़ना होता है तो चावल और पुष्प हाथ में लेके ही पढ़ना होता है, तो इसमें ना माता के 8 स्वरूप हैं, माँ लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी माँ और श्री आधी लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धन्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। तो इस किताब में ना सारी मतलब 8 माता हैं इसमें, और पीछे के साइड भी हैं, पीछे मतलब आगे वाले पन्ने पे भी हैं और पीछे वाले पन्ने पे, और पीछे के साइड भी श्रीयंत्र के ऊपर माता का 8 माता का स्वरूप है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले हमें ना सबसे पहले माता का कथा पढ़ना होता है। तो यहाँ कथा यहाँ से आरंभ है, पहले ही पेज से आरंभ है, उसके बाद से माता का महिमा पढ़ना होता है, और माता का महिमा बाद में पढ़ना होता है, पहले माता का कथा पढ़ना होता है, उसके बाद से ना श्री लक्ष्मी माता की स्तुति पढ़नी होती है, और आरती करने के बाद हमें ना माता का महिमा पढ़ना होता है। और यहाँ देखिए मैंने आपको बताई थी कि आगे पीछे पन्ने पर माता का चित्र है, तो हम इनको प्रणाम कर लेंगे। तो हमने इसका प्रणाम कर लिया है, अब मैं अपना कथा प्रारंभ करूंगी। तो चले फ्रेंड पूजा अब कंप्लीट कर लिया जाए। यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, मैंने मत्था टेक लिया है, नतमस्तक मैंने माफ़ी मांग लिया है, जो भी कमी होगी माता माफ़ करेंगी, हम उन्हीं के बच्चे हैं। और यहाँ पे ये चौकी जो है मैं अगले दिन उठाऊंगी सुबह को, अभी रहने दूंगी, सुबह ही मैं उठाऊंगी, दोनों कलश का पानी मैं पौधे में डाल दूँगी, और खीर जो है ना वो हम लोग इस टाइम खा लेंगे, और दक्षिणा कन्या को दे देंगे, और सुबह को फ़ोटो सब कुछ मैं हटा दूँगी। और इस दिन ना शाम के टाइम एक टाइम ही मीठा भोजन किया जाता है, जो व्रत वाले हैं जो व्रत करते हैं शुक्रवार का वो एक टाइम भोजन इसमें खा सकते हैं, तो मीठा खाना खा सकते। कितने लोग नमक वाला खाते हैं, सेना नमक वाले, लेकिन मैं नहीं, इस दिन मीठा खाना ही
खाना चाहिए, मतलब मीठा खाना भोजन में लेना चाहिए। और बस इसी तरह मेरी पूजा इसी तरह मैं करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी, और सबका अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। करना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कोई सजेशन है, कोई भी कमेंट्स है, आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं मेरे को, अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।